हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का बनना इसमें तो यूरोप में। तो सबसे पहली बात तो मैंने सबसे पहले ही वीडियो में बताया था कि जिस यूरोप को आज आप देख रहे हैं वो अलग अलग राजा महाराजाओं के राजतंत्र के अंदर था, राजघरानाओं के अंदर था। ठीक है, अलग अलग राजा महाराजा, छोटी छोटी बाउंड्री थी, कुछ डचीज थे, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब मतलब ठीक था, सब इस पे राजा महाराजा शासन करते थे। ठीक है, तो आता है कि जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वे डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज, कैंटन्स, हु रूल्स एंड देयर ऑटोनोमस कंट्रीज। तो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड में जो थे अलग अलग किंगडम में विभाजित था ये। ठीक है, इसमें आपका डच थे, कैंटन्स थे, ये सब राज जनरली करते थे। जैसे कि आप भारत को ले सकते हैं कि अभी का जो आपका भारत है, तो वहां पर अलग अलग शासक थे। कहीं का चौहान था, कहीं का पाल शासक था, कहीं का राष्ट्रकूट था, कहीं का प्रतिहार था, कहीं का सूर डायनेस्टी था। तो अलग अलग वंश के राजा राज करते थे। कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा डचीज, कैटन सब में, क्यों? क्योंकि एक वंश ही समझ सकते हैं या एक सामूहिक ग्रुप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे चौहान वंश था हमारे यहाँ, फिर आपका राष्ट्रकूट था, प्रतिहार था, पाल था, फिर और बहुत सारे थे। तो फिर आता है कि दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज़ शेयरिंग एज़ अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर्स। ये खुद को ना एक समान मतलब लोगों की तरह नहीं देखते थे। सब लोग बोले अरे हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम क्यों इसके साथ हैं, हम इससे क्यों मिलेंगे, या हम इसके जैसा क्यों दिखेंगे, या हम इसके जैसा क्यों दिखने में लगे या बोलेंगे। तो ये समान साझा को जो एक समान बोली हो गया या जो करते हैं इसको साझा करने में मतलब वो नहीं थे, करने के लिए वो सक्षम नहीं कर सकते, मतलब वो नहीं करना चाहते। फिर आता है कि हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो ऑस्ट्रिया और हंगरी पे शासन कर रहा था, किया भी। The hungry half of the population spoke Magyar, while the other half of the spoke variety of languages. तो हंगरी में जो थे ना आधी आबादी जो थी वो आपका मैग्यार बोलती थी, और जो आधा आपका लैंग्वेज था वो कुछ अलग ही भाषा बोलता था। ठीक है, तो अब आता है कि beside this three common dominant group, these also live the boundaries of the empire. तो यहाँ जो अलग अलग तरह के थे common, duchies, तो जरूरी नहीं था कि उसके बाद कोई वंश नहीं है या कोई लोग नहीं है, रहते थे उसके अलावा भी लोग थे जो उसी बाउंड्री के अंदर में रहते थे। सभी की भाषाएं अलग थी, सभी का कल्चर अलग था, सभी का जो मानसिकता अवधारणाएं थी वो अलग अलग थी। तो अलग अलग लोग भी उस बाउंड्री के अंदर रहते थे, और द ओनली टाइप बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन एजेंस टू गवर्न, मतलब उसको अब एक ही तरह से बांधा जा सकता था। राजा आपके आपको प्रताड़ित कर रहा है, आप पे अत्याचार कर रहा है, तो इस सब चीज से बांधा गया जनरली। यही तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये वीडियो यहीं तक रहेगा, फिर आगे हम आएंगे जो आपका है मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेट, ये सब। ठीक है, ऐसे एक चीज और लिखा देखना चाहते हैं तो नेशनल स्टेट का एक मीनिंग आप लोग लिख लीजिए कि कॉमन लैंग्वेज, नेशनल स्टेट का कॉमन लैंग्वेज। कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। तो नेशन स्टेट, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशन स्टेट का अर्थ क्या होता है? तो सीधी सी बात है, सभी लोग एक भाषा बोलने वाले होने चाहिए, कॉमन कल्चर के होने चाहिए, रीति रिवाज के, फिर कॉमन सभी का आइडेंटिटी भी होना चाहिए। और फिर जैसे हम लोग कह सकते हैं कि लोगों में विविधताएं थी, तो किस प्रकार की विविधताएं थी? तो हम उस समय के एक हैब्सबर्ग एम्पायर को लेते हैं। हैब्सबर्ग एम्पायर जिसमें से कि आपका
आइडिया कल्चर, फिर आपका आता है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन और लैंग्वेज। ये सभी क्या था, अलग है उस बार एम्पायर का, जो अलग अलग लोग रहते थे उसका आइडिया कल्चर ट्रेडिशन लैंग्वेज ये सभी अलग थे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में मैं लाऊंगा मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेट।